राधे कृष्ण। दोस्तों मैं हूँ सुनल, आपका स्वागत है मेरी किचन में। दोस्तों आज मैं बनाने वाली हूँ गुलाब जामुन। गुलाब जामुन होली दीपावली पर अक्सर हम खाते हैं, लेकिन अगर ये मिठाइयाँ घर की बनी हो तो हमें बहुत ही स्वाद वाली लगती हैं, क्योंकि ये हमने खुद बनाई होती है अपनी मेहनत से। तो चलिए आज इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। स्वादिष्ट गुलाब जामुन आप बहुत ही आसान तरीके से अपने घर पर बना सकते हैं, और इनको बनाना भी बहुत ही ईजी होता है। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया है, मैंने यहाँ पर एक बड़ा बर्तन लिया है जिससे हम रसगुल्ले बनाएं, तो हमारे रसगुल्ले चाशनी में आसानी से डूब जाए। तो थोड़ा गहराई वाला आप यहाँ पर बर्तन लीजिए। मैंने उसमें 2 कटोरी चीनी डाली है, और साथ ही 2 कटोरी मैं इसमें पानी डालूँगी। तो मैंने यहाँ पर चीनी और पानी की मात्रा को बिल्कुल बराबर रखा है। अब हम गैस को ऑन करेंगे और फ्लेम को लो ही रखेंगे। तो हमें जो भी चाशनी बनानी है वो लो फ्लेम पर ही बनानी है, और हमें यहाँ पर एक तार की चाशनी नहीं बनानी है। सिर्फ हमें पानी को उबालना है जिससे हमारा पानी थोड़ा मीठा हो जाए और हाथों पर ऑयल की तरह दिखाई दे। यहाँ पर मैं आपको एक बार ज़रूर बताना चाहूँगी कि जो भी हमारा चाशनी बनती है ना, तो हम किनारों पर ना चीनी के क्रिस्टल बन जाते हैं, और फिर उनको हम जब निकाल दें तो वो हमारे चाशनी में मिल जाते हैं। तो इस तरह के क्रिस्टल ना बने, इसीलिए मैंने चम्मच की उल्टी साइड पर थोड़ा सा घी लगाकर किनारों के चारों ओर लगा दिया, जिससे हमारे जो चाशनी है उसमें जब भी उबाल आएगा तो चीनी के जो भी कण होंगे वो हमारे किनारों पर नहीं लगेंगे। और चीनी को पानी में अच्छी तरीके से मिलाते हुए इसी तरह चलाते रहें। इसमें थोड़े से बबल्स आएंगे, उसके बाद हम इसमें इलायची दरदरी कूट कर डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4-5 इलायचियों को अच्छे से दरदरा कूट लिया है और इस पानी में मिला दिया है। पानी में जब तक उबाल आएगा तब तक हम गैस की फ्लेम को लो ही रखेंगे, और इसको उबलने के लिए हम छोड़ देंगे। तो अब हम क्या करते हैं कि हमारा जो भी खोआ है उसको हम अच्छे से मथ लेंगे। तो मैंने फ्रिज में से निकाल कर आधे घंटे पहले इसको रख दिया था। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से हाथों से मसल लेंगे जिससे ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए, और इसमें हम उसी के बाद हम थोड़ी सी मैदा डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर 4 चम्मच मैदा लिया है, लेकिन 5 मिनट के लिए इस खोए को अच्छी तरीके से हम मत लेंगे जिससे इसका जो भी कड़कपन है वो निकल जाएगा। तो देखिए हमने इसको अच्छे से मत लिया है, इसके बाद ही हम मैदा मिलाएंगे। तो अब हमारी यहाँ पर चाशनी बन चुकी है। इस मैं फिर से बताना चाहूँगी कि मुझे है ना यहाँ पर किसी भी प्रकार की एक तार की चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ इसे इतना ही हमें पकाना है जितना हमें रसगुल्लों के लिए ज़रूरत है। तो अब मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अगर आप यहाँ पर केसर है तो आप इसमें केसर डाल सकते हो, उससे इसमें रंग और स्वाद और बढ़ जाएगा। मेरे पास केसर नहीं थी इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया है। तो अभी हमने जो खोआ अच्छे से मथा था उसमें हम 4 चम्मच मैदा डाल लेंगे, और 2 चुटकी भर इसमें हम खाना सोडा भी डाल लेंगे जिससे हमारे जो रसगुल्ले हैं वो स्पंजी बने। अब हम खोए को और मैदे को अच्छी तरीके से हाथों से प्रेशर बनाते हुए इसको मथेंगे। यहाँ पर खोए को और मैदे को अच्छे से मथना होगा, क्योंकि हमारे जो भी रसगुल्ले हैं ना स्पंजी बनेंगे, या उनमें किसी प्रकार की कोई दरार नहीं पड़ेगी, या वो पिचके हुए नहीं बनेंगे, या उनका कवर नहीं उतरता होगा। तो सारी जो ट्रिक है वो यहीं पर है कि आपको है ना इस मिक्सचर को अच्छे से मिलाते जाना है, एक ऐसा डो बनाना है जिससे आपकी जो लोइयाँ हैं वो अपने आप ही हाथों पर बन जाए, आपको किसी प्रकार की कोई मेहनत करने की ज़रूरत ना हो। इस पर अच्छे से हमें है ना लोच लगाते हुए इस पर प्रेशर बनाना होगा। तो हमारे यहाँ पर जो डो है वो थोड़ा थिक है, तो मैंने यहाँ पर 1/2 चम्मच दूध ले लिया है। अगर आप पानी लेना चाहते हैं तो आप पानी ले सकते हैं। आप इसे उसी फॉर्म में है ना अच्छी तरीके से मथना होगा, हथेली की सहायता से आप लगातार इसे मथते जाएंगे। और देखिए हमें इस डो को बहुत अच्छे से लगातार इसी तरीके से 5 से 10 मिनट तक या 15 मिनट भी तक आप इसी तरीके से बनाते जाइए, तो ये अपने आप ही बहुत ही अच्छा डो बनेगा। और देखिए आप देख सकते हैं कि जैसे ये डो बनाया उसी के बाद मेरे हाथों पे थोड़ा सा ऑयल आने लगा है। तो यही एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी होती है कि आपका जो
डो है वो बहुत अच्छा बना है। अब हम इस डो की है ना लोइयाँ निकाल लेंगे। तो हम छोटी छोटी इसमें से लोइयाँ बना लेंगे। आप देख सकते हैं आटा बहुत ही अच्छी तरीके से इसका मड़ा है, जो भी डो है वो बिल्कुल आसानी से कट गया है और एकदम जालीदार कटा है। तो ये परफेक्ट तरीके से हमारा डो बन के आया है खोए का और मैदे का। तो आप देख सकते हैं कि मैंने छोटी सी लोई लिया और अपने आप ही ये हथेलियों के साथ आते एकदम गोल बन गया, किसी बात का कोई क्रैक नहीं है ना दबा हुआ है और ये सिकने के बाद बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। अगर आप इसी मेजर के साथ अगर आप खोआ और मैदे को अच्छे से मथ लेंगे, मथने के बाद अच्छे से हथेलियों पर इसे गोल लड्डू के आकार का बनाते जाएंगे तो हमारे रसगुल्ले बहुत ही टेस्टी भी बनेंगे और बहुत ही अच्छे भी बनेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर सेकंड गुलाब जामुन भी बना लिया है। आप इसी तरीके से इन सारी लोइयों के गुलाब जामुन बना लीजिए। तो यहाँ पर 17 गुलाब जामुन बन गए हैं 300 ग्राम खोए से। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई को लो फ्लेम पर गर्म किया, उसके बाद मैंने एक गुलाब जामुन डाल के देखा है जिससे इसमें ये फटेगा तो नहीं। तो ना ये फटा है, ना ही बिल्कुल पिचका हुआ है और ना ही इसमें किसी प्रकार की कोई दरार दिख रही है। तो ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ डो रेडी हुआ है। अगर आपका डो बहुत अच्छा बना होगा तो आपके रसगुल्ले आसानी से बन जाएंगे और आसानी से सिक भी जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो भी ऑयल लिया है उसको लो फ्लेम पर ही रखा है, बिल्कुल हाई फ्लेम पर ना रखें। अगर आपने हाई फ्लेम पर इनको फ्राई किया तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए लो फ्लेम पर बड़ी ही पेशेंस के साथ बनाएं। रसगुल्लों को बनाने में, इनको फ्राई करने में 10 से 12 मिनट का टाइम आराम से लग जाता है, इसलिए बड़ी पेशेंस के साथ इन्हें सेकें। और आप देखिएगा मैंने इनको बिल्कुल हल्के हाथों से पलटा है और मैं आपको पूरा दिखाऊंगी कि इस तरह से आपको रसगुल्लों को फ्राई करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से आपको सेकना है और धीरे धीरे देखिए रसगुल्ले बड़े होते जा रहे हैं, स्पंजी होते जा रहे हैं। तो आप जैसे ही ये नीचे से सीख जाए तो हल्के हाथों से इन्हें पलटते जाइए। और आपने अगर रसगुल्ले बनाए हैं और आपको डर लग रहा है कि 3-4 ही रसगुल्ले सीखने, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक बार में आप अच्छा सा उसमें ऑयल ले सकते हैं और उसमें 10 से 12 रसगुल्ले आराम से सेक सकते हैं। तो देखिए मेरे यहाँ ज़्यादातर है ना रसगुल्ले बोला जाता है, इसलिए मैं गुलाब जामुन कम बोलती हूँ। बार बार मेरे तरफ से है ना रसगुल्ले ही निकल रहा है। तो आप इन गुलाब जामुनों को अच्छे से बनाइए। आप इन रसगुल्लों को कभी भी शादी पार्टी या ओकेशन पर बना सकते हैं, ये बहुत ही आसानी से घर में बन जाते हैं बिना किसी झंझट के। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये गुलाब जामुन की रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए थोड़ा हल्का ब्राउन कलर आ रहा है तो हम इनको ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, जैसे गुलाब जामुन होते हैं उसी तरह का रंग आएगा इनमें और किसी प्रकार का कोई कलर डालने की ज़रूरत नहीं है आपको। मैंने यहाँ पर गुलाब जामुन को ऐसे सर्कल में गोल कर लिया था। अगर आप इनके अंदर कुछ भरना भी चाहते हैं तो आप इलायची या चिरौंजी कुछ भी आप इनके अंदर की साइड रख कर सेक सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे गुलाब जामुन बिल्कुल अच्छे से कलर में सिके हैं। हम सारे गुलाब जामुनों को निकाल लेंगे। जैसे कि हमने चाशनी को ठंडा होने के लिए रख दिया था तो हमारे गुलाब जामुन भी अब थोड़े से मीडियम गर्म हैं, तो अब इनको चाशनी में हम डाल देंगे जिससे जो भी गुलाब जामुन है वो अच्छे से है ना चाशनी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो हमें इन्हें 3-4 घंटे के लिए ढककर रखना होगा जिससे गुलाब जामुन अच्छे से चाशनी में मिल जाए। अब हम चेक करते हैं तो देखिए हमारे गुलाब जामुन कितने परफेक्ट बने हैं, बहुत ही यम्मी दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम इन्हें सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेंगे।
गुलाब जामुन आप इसी ट्रिक से बनाएंगे तो आपके गुलाब जामुन बहुत ही अच्छे बनेंगे, ना फटेंगे, ना दरार आएगी और ना ही पिचके हुए बनेंगे। तो अब हम इन्हें गार्निश के लिए थोड़ा सा पिस्ता इन पर डाल देते हैं। देखिए हमारे गुलाब जामुन कितने परफेक्ट बने हैं और दिखने में भी कितने अच्छे लग रहे हैं। तो आप इसी